हमारी मांग ये है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एरिया को डेवलप किया जाए, पर समस्या वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी तैयार होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ से जिसके वजह से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। सदस्य श्रीमती सांभवी जी, धन्यवाद। सभापति महोदया, आपने हमें हमारे क्षेत्र समस्तीपुर के इतने आवश्यक और गंभीर मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। मैम, हमारा क्षेत्र समस्तीपुर में कई ऐसी नदियां हैं जो बहती हैं वहां से, और बहुत सारा एरिया एम्बैंकमेंट यानी कि बांध का एरिया है। हमारी मांग ये है कि यहां पे वाटर स्पोर्ट्स एरिया को डेवलप किया जाए, पर समस्या वहां पे ये आता है कि जो सिल्ट है वो बहुत सारा जमा हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जो गंडक नदी है उसमें 50,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे कि वाटर फ्लो अफेक्ट होता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। सिल्ट की सफाई से हमें कई लाभ मिलेंगे और नदियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी तैयार होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ से जिसके वजह से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग करे और एक सफल परियोजना बनाने में अपना योगदान दे। यह सिर्फ केवल जन संसाधनों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि शिवाजी नगर प्रखंड जो हमारे क्षेत्र में आता है, खानपुर प्रखंड हमारे क्षेत्र में आता है, कल्याणपुर प्रखंड हमारे क्षेत्र में आता है, ये सारे जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसका भी एक विकास होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। विकसित ये सारे एरियाज विकसित करने में हमारा सपना भी साकार होगा और विकसित भारत, विकसित बिहार का लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।